दोस्तों बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, सीबीएसई ने फाइनली 2024-25 नए सेशन के लिए क्लास 9 हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस जारी कर दिया है। अभी तक आपको बाकी सभी सब्जेक्ट का सिलेबस तो मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर दिक्कत थी 9th क्लास हिंदी की, जो कि साइट पर नहीं था, अपडेट नहीं हो रहा था। लेकिन अब मैं लेकर के आ चुका हूँ आपके लिए हिंदी का पूरा सिलेबस। इस साल क्या क्या चेंज होने वाला है, कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं इस साल, ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, कितने नंबर का पेपर आएगा आपको और क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, सब कुछ आपको इसी वीडियो में है। परेशान नहीं होना है, बस वीडियो को एंड तक देखना है और एक प्यारा सा लाइक करके हमें सपोर्ट कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर और भी आपको सारी नई अपडेट लगातार मिलती रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे अपठित बोध यानी कि अनरीड पैसेज होगा, एक अपठित गद्यांश होगा और एक अपठित कविता होगी, जो आपको 7-7 नंबर का यानी कि 7 नंबर का गद्यांश होगा और 7 नंबर की कविता होगी। टोटल आपको 14 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा टॉपिक रहेगा आपके लिए व्यावहारिक ग्रामर। तो ग्रामर की आपको 16 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें 4 टॉपिक होंगे और प्रत्येक टॉपिक 4-4 नंबर का यानी कि 16 नंबर का ग्रामर से पूछा जाएगा। ये सारे ग्रामर के टॉपिक आपको हमारे चैनल पर मिलते हैं, यानी कि ग्रामर के 16 नंबर तो भाई साहब आपको ईजिली हमारे चैनल पर मिल जाते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे टॉपिक्स मैं डाल दूंगा। उसके बाद बात करते हैं पाठ्य पुस्तक, तो कौन कौन से पाठ्य पुस्तक हैं वो भी आपके साथ बात करेंगे, है ना। क्षितिज है, कृतिका है, कौन कौन से चैप्टर वगैरह हैं, तो भाई पाठ्य पुस्तक क्षितिज और कृतिका से आपको 30 नंबर का 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। और रचनात्मक लेखन में अनुच्छेद लेखन है, पत्र लेखन है, सूचना लेखन है, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो उनसे आपको 20 नंबर का पूछा जाएगा। इस हिसाब से आपको टोटल 80 नंबर का पेपर होगा और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट, जो कि टीचर्स के हाथ में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से भाई कर दो वीडियो को लाइक। लाइक करने में आपको कंजूसी नहीं करनी है, हमारे इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारे लिंक, व्हाट्सएप नंबर भी हैं। और यहाँ पर 3 घंटे का पेपर आपका होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 80 नंबर का पेपर आएगा, विषय वस्तु क्या रहेगी, तो आइए यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले एक अपठित गद्यांश आएगी जो 7 नंबर का होगा, जिसमें आपको एक एक नंबर के 3 प्रश्न होंगे, ठीक है, एक एक नंबर के 3 प्रश्न होंगे और 2-2 नंबर के आपको मतलब थोड़ा बड़े बड़े होंगे। तो ये चेंज है भाई, इस बार ये डिपार्टमेंट ने सीबीएसई ने चेंज कर दिया है कि अपठित गद्यांश में एक एक नंबर के 3 ही सवाल होंगे और 2-2 नंबर के भी होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, यह है अपठित कविता, सेम अपठित कविता में भी एक एक नंबर के 3 प्रश्न होंगे और 2-2 नंबर के 2 सवाल होंगे 4 नंबर के। इससे पहले मैं बता दूं आपको क्या होता था कि यहाँ पर जो गद्यांश है इससे एक एक नंबर के 5 सवाल होते थे एंड काव्यांश में भी एक एक नंबर के 5 सवाल होते थे, टोटल 10 नंबर का, लेकिन इस बार इन्होंने 14 नंबर कर दिया, यानी कि यहाँ पर कुछ और नया ऐड कर दिया है और भी बहुत सारी नई चीज़ें आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से ग्रामर, ठीक है। ग्रामर में आपको सबसे पहला टॉपिक रहेगा 16 नंबर में और यहाँ से 20 टोटल प्रश्न होंगे, लेकिन 16 ही आपको करने होंगे, मतलब 4 पार्ट होंगे, प्रत्येक पार्ट में 5-5 प्रश्न होंगे, लेकिन 5 नहीं आपको सिर्फ 4-4 करने हैं, टोटल 16 नंबर। सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपके लिए उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग आपके 2 नंबर का पूछा जाएगा, प्रत्यय आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा, टोटल आपको 4 नंबर यहां से हो गए, ठीक है। उसके बाद हम अगला टॉपिक आपकी बात करेंगे और यहां से अगला टॉपिक रहेगा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ये सारे टॉपिक आपको समझने हों तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप यहाँ से इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। 4 नंबर का आपको पूछा जाएगा, अलंकार पूछे जाएंगे फिल्मी गानों के माध्यम से, भाई साहब फिल्मी गाने आपको याद हो जाते हैं, तो भाई इसी शॉर्ट ट्रिक से आपको अलंकार भी याद होंगे, जिसमें आपको अनुप्रास है, यमक, ओहो इस बार इन्होंने मात्र 3 अलंकार दे दिए भाई साहब, पिछले बार क्या था 4 अलंकार थे, 5 पिछली बार 5 अलंकार थे, लेकिन इस बार इन्होंने अलंकारों को सिर्फ 3 कर दिया, मतलब अनुप्रास, यमक और श्रेष ही आपको पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर अब आपको मिलता है पाठ क्षितिज से। क्षितिज से जो भी चैप्टर्स होंगे उनमें से आपको 5 नंबर यानी कि एमसीक्यू, सारे के सारे एमसीक्यू होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस, 5 प्रश्न आपको यहाँ से हो गए। इसी तरह से क्षितिज काव्यांश में भी आपको पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी ये जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होंगे थोड़ा सा और समझ लीजिए। क्षितिज में आपको एक एक नंबर के 5 सवाल होंगे ये वाले, और यहाँ से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे
और दो दो नंबर के होंगे तो छः नंबर यहाँ से आपको मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्षितिज में काव्य से, तो सेम आपको काव्य से भी पाँच नंबर और तीन तीन करके दो नंबर यानी कि पाँच और छः, ठीक है। ग्यारह नंबर आपको गद्यांश से आएगा, ग्यारह नंबर आपको काव्यांश से आएगा। अब हम कृतिका की बात करेंगे, तो कृतिका में आपको पूछा जाएगा दो सवाल, दो सवाल होंगे। इस बार जो है इन्होंने फिर से यस ये चार दो सवाल होंगे, चार चार नंबर के, मतलब लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होंगे और इन्हें आपको अच्छे से करना होगा, ठीक है। तीन प्रश्न होंगे लेकिन तीन में से आपको दो ही करने हैं। अब हम ग्रामर की तरफ चलते हैं, रचनात्मक लेखन। रचनात्मक में कुछ नए टॉपिक होंगे, हो सकता है कुछ पुराने हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अनुच्छेद लेखन मिलेगा छः नंबर का। उसके बाद बात करते हैं औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होंगे, तो ये एक पत्र आएगा आपको पाँच नंबर का, लेकिन आठवीं क्लास से ये जो पत्र है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ईमेल लेखन के लिए, ईमेल लेखन पाँच नंबर का, और ईमेल लेखन और सूचना सॉरी लघु कथा लेखन में आपको एक प्रश्न मतलब करना है, या तो आप सूचना लेखन कर ईमेल लेखन कर लीजिए या लघु कथा लेखन पाँच नंबर, दोनों में से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। उसके बाद हम बात करते हैं संवाद लेखन, एक टॉपिक होगा संवाद लेखन, एक टॉपिक होगा सूचना लेखन, लेकिन इन दोनों में से आपको एक ही टॉपिक करना होगा और ये आता है चार नंबर का। यहाँ पर भी इन्होंने कुछ चेंज किया है, तो आइए देखते हैं। इस तरह से आपको 80 नंबर का पेपर आएगा और यहाँ पर आपको इंटरनल असेसमेंट के 20 नंबर आपको कुछ इस तरीके से मिलते हैं, जहाँ पर कि आपको पाँच नंबर मिलेंगे सामयिक आंकलन यानी कि जो आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे, है ना, पीरियोडिक टेस्ट से यूनिट टेस्ट से। उसके बाद यहाँ पे टीचर्स आपको मल्टीपल टेस्ट लेंगे, पोर्टफोलियो फाइल वगैरह बनवाएंगे। यहाँ पे श्रवण और वाचन यानी कि टीचर्स आपको कितना लिखना आता है, आपको कितना पढ़ना आता है, वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन से चैप्टर आपको हटाए गए हैं। आइए यहाँ से हम देखेंगे कि इन सभी पाठों से आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, मतलब केदारनाथ अग्रवाल चंद्र गहना से लौटती बेर आपको पूरा पाठ नहीं आएगा, यमराज की दिशा से पूरा पाठ नहीं आएगा, लेकिन नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया पूरा पाठ नहीं आएगा, और एक कुत्ता एक मैना ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर भी इन्होंने कुछ चेंज किया है, पिछली बार क्या था कि कबीर की साखियों से भी यहाँ पर कुछ हटाया था, लेकिन इस बार कबीर की साखियाँ पूरा चैप्टर आपको आएगा, ठीक है। उसके बाद माटी वाली कृतिका से नहीं आएगा, और आखिरकार में हिंदी में आया ये वाला चैप्टर नहीं आएगा। तो कौन कौन से चैप्टर आएंगे तो मैं अब आपको टिक करवा देता हूँ। तो दोस्तों ये पूरी जो बुक है और सारे चैप्टर्स यहाँ पर हैं, ये चैप्टर्स आपको मिल सकते हैं। इसका इस बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब तक आप नई बुक खरीदते हैं तो आप अपने लिए ये बुक भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, आपको सारी बुक मिल जाती हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दो वैल्यू की कथा चैप्टर आपको आएगा, लासा की ओर ये भी चैप्टर आपको पूछा जाएगा, उपभोक्तावाद की संस्कृति ये भी आपके पास आएगा। उसके बाद चौथा चैप्टर है सांवले सपनों की याद, ये भी आपको आएगा, लेकिन यहाँ पर ये वाला चैप्टर आपको नहीं आएगा, देवी मैना को भस्म कर दिया, प्रेमचंद के फटे जूते फिर से ये वाला चैप्टर आएगा, और यहाँ पर मेरे बचपन के दिन जो कि महादेवी वर्मा का बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये भी आपको आएगा, एक कुत्ता और एक मैना ये वाला चैप्टर भी आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये दोनों चैप्टर आपको गद्यांश से हो गए। अब काव्यांश की बात करेंगे तो पिछले साल यहाँ से कबीर की साखियाँ तो थी लेकिन शब्द हटा रखे थे, लेकिन इस बार इन्होंने कबीर की साखियाँ पूरा का पूरा चैप्टर आपको आएगा, ललदत्त के वाक भी आएंगे, रसखान के सवैये भी आएंगे, और यहाँ पर हमारे पास है माखनलाल चतुर्वेदी जी की कैदी और कोकिला जो कि आज़ादी पर हैं, तो ये भी आपको चैप्टर पूछा जाएगा। ग्रामश्री चैप्टर भी आ रहा है लेकिन चंद्र गहना से लौटती बेर आपको चैप्टर नहीं आएगा। फिर से मेघ आए चैप्टर आपको आएगा, बहुत ही बढ़िया ये कविता है, लेकिन यमराज की दिशा नहीं आएगी, ठीक है। यमराज की दिशा जो चैप्टर है वो आपको नहीं पूछा जाएगा। तो आइए दोस्तों अब हम कृतिका की बात करेंगे, और कृतिका में आपको टोटल पाँच चैप्टर हैं, लेकिन पाँच में से आपको सिर्फ तीन आएंगे, दो नहीं आएंगे। तो कौन कौन से चैप्टर हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपके पास फणीश्वरनाथ रेणु जी की है इस जल प्रलय में, ये वाला चैप्टर आपको आएगा। मेरे संघ की औरतें वाला चैप्टर भी आपके पास आ रहा है, और रीढ़ की हड्डी चैप्टर आपके पास आ रहा है। ये तीनों चैप्टर बहुत ही मज़ेदार हैं, लेकिन जो लास्ट के दो चैप्टर हैं ये दोनों के दोनों नहीं आएंगे। इसका मतलब जो चौथा है और पांचवा है ये चैप्टर नहीं आएगा, लेकिन पहले दूसरे
तीसरे चैप्टर आपको आएंगे, जिसमें एक जो फर्स्ट टर्म में है ना, वो फर्स्ट टर्म में आपको एक ही चैप्टर पूछा जाता है ये वाला, लेकिन जो बाकी दो चैप्टर हैं वो आपको सेकेंड टर्म में पूछे जाते हैं। तो ये है आपका सिलेबस जो कि नाइन्थ क्लास का है, और किस सब्जेक्ट का चाहिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।